जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जैसा कि आपने सीखा कि मेंडलीफ ने सबसे पहले काविश की कि एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बनाकर दे वो आपको, और फिर उसके बाद एक तहलका केस डिस्कवरी की हेनरी मोजले ने, और एक पीरियोडिक लॉ को जो मेंडलीफ ने बनाया था उसको चेंज किया, उसमें करेक्शन की। उसने ये बात डिक्लेयर कर दी कि एटॉमिक नंबर जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, बजाय के एटॉमिक मास की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये था पुराना लॉ, मेंडलीफ का लॉ, और नया लॉ बन गया प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि एक प्रॉपर प्रॉपर्टी जिसे आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। यही बात मैंने यहां पे लिखी कि एटॉमिक नंबर जो है एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, बजाय के एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप बेसिकली कह लो कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, अब एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। क्या रीजन हो सकता है? आखिर क्यों एटॉमिक नंबर को कहा गया कि ये बुनियादी खासियत है किसी भी एलिमेंट की? पहले तो ये समझे ना कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी एटम की तरफ देखें तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में डेफिनेटली प्रोटॉन्स होते हैं। अब जो भी उनकी प्रोटॉन्स की क्वांटिटी है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जबकि प्रोटॉन्स के साथ साथ किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो जब आप दोनों की क्वांटिटी को काउंट करते हो, जैसे कि आप प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को भी देखना चाहते हो और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को भी देखना चाहते हो, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की क्वांटिटी को मिलाकर हम कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सिर्फ काउंटेबिलिटी किसकी? प्रोटॉन की। और एटॉमिक मास, इसको आप एटॉमिक मास को एक और लफ्ज से यूज कर सकते हो, मास नंबर। तो मास नंबर अकाउंटेबिलिटी किसकी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की। तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि देखो, अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लेकर एक एलिमेंट की खासियत बनाओगे तो एक मुश्किल काम है, क्योंकि आपको दोनों के बारे में एग्जैक्ट ठीक पता होना चाहिए, प्रोटॉन के बारे में भी न्यूट्रॉन के बारे में भी। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटॉन को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनाओगे और फिर आपको सिर्फ पता होना चाहिए प्रोटॉन्स का, तो लिहाजा यही था फर्क मोजले के पीरियोडिक लॉ में और मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ में। कि मोजले जो था वो कहता था कि सिर्फ प्रोटॉन की सही क्वांटिटी पता लग जाए, यही है फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की। जबकि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता लग जाए, ये थी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मेंडलीफ की सोच के हिसाब से। लेकिन मैं आपको इतना बात बताता चलूं कि मेंडलीफ एटॉमिक मास के अलावा भी कुछ मजीद सोच रहा था, लेकिन चूंकि जब दौरे जदीद नहीं था, मोजले का कानून 1912 में आया और हेनरी मोजले के कानून से पहले जो मेंडलीफ का कानून आया वो 1880 की दहाई में आया, यानी 1879 आपकी किताब में डेट लिखी हुई है। तो हिसाब लगाएं कि यहां से 30 साल पहले की डिस्कवरीज हैं एटॉमिक मास। और कैनिजैरो ने भी तकरीबन जब एटॉमिक मास पे काम किया तो वो 1860s में काम किया उसने। आप देखें जो डेट्स लिखी हुई हैं आपकी किताब में। तो लिहाजा एटॉमिक मास उस वक्त जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस वक्त की डिस्कवरी है, लेकिन एटॉमिक नंबर मॉडर्न जमाने की डिस्कवरी है। इसीलिए आप कह लें कि हेनरी मोजले को क्रेडिट जाता है कि उसने नई डिस्कवरी की, उसने एटॉमिक मास की बजाय दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। उसने कहा कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। तो यही मैंने लिखा कि आखिर क्या वजह है, आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं कि एटॉमिक नंबर एक बुनियादी खासियत है, एक बुनियादी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, क्यों एटॉमिक मास क्यों नहीं है? तो उसके पीछे आप रीजन दोगे कि
पहली तो बात यह है कि एटॉमिक मास रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता। आप देखो हाइड्रोजन का वजन अगर एक है तो हीलियम का वजन चार है, लिथियम का वजन सात है, तो एक चार सात ये सीक्वेंस बना। जबकि आप एटॉमिक नंबर को देखोगे तो आपको नजर आएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है तो हीलियम का टू है और लिथियम का थ्री है, सीक्वेंस बना वन टू थ्री। तो लिहाजा ज्यादा सीक्वेंस ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ, 147 ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए और ये लिथियम के लिए, या फिर 1 2 3 ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए और ये लिथियम के लिए। तो साइंसदानों ने मुश्तरका फैसला किया कि 1 2 3 तो कॉमन सेंस की बात है, एक जबरदस्त प्लस सीक्वेंस है। तो लिहाजा इट इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर, इट इंक्रीजेस रेगुलरली रेगुलरली From element to element. So, यहां से हमें एक बात समझ में आई कि एटॉमिक नंबर एक बुनियादी प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बनिस्बत के एटॉमिक मास की। दूसरा रीजन क्या है, इट इज फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। अगर मैंने इसको कह दिया कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है तो ये फिक्स हो गया, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा कि हाइड्रोजन में जो है वो दो प्रोटॉन्स आ जाए, क्योंकि अगर दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आ जाते हैं तो वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, वो हीलियम हो जाएगा। और अगर दो से तीन प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस में आ जाते हैं तो फिर वो हीलियम नहीं रहेगा, वो हीलियम से लिथियम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर एक फिक्सिंग पॉइंट है किसी भी एलिमेंट का, यानी किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स का पता लगा लो तो पता लग जाएगा एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, तो कोई भी दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं जिसमें 6 प्रोटॉन्स हो, सिर्फ कार्बन में है। इसी तरह से नियॉन में 20 प्रोटॉन्स हैं, सॉरी 10 प्रोटॉन्स हैं, तो नियॉन में 10 हैं, अब किसी और एलिमेंट में 10 नहीं है। इस तरह से कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स हैं, दुनिया का कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें 20 प्रोटॉन्स हो और वो कैल्शियम ना हो। तो लिहाजा एटॉमिक नंबर इतनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट के लिए ये फिक्स है, तो लिहाजा इसलिए ज्यादा पजीराई मिली एटॉमिक नंबर को। अगर आप मुझसे कहो कि सर क्या न्यूट्रॉन नंबर फिक्स नहीं होते किसी भी एलिमेंट के लिए, द आंसर इज यस, न्यूट्रॉन फिक्स नहीं है। अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, पहले आइसोटॉप में न्यूट्रॉन नहीं होता है, दूसरे आइसोटॉप में एक न्यूट्रॉन होता है, दूसरे से तीसरे आइसोटॉप में दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो फिर अब हाइड्रोजन में तो एक न्यूट्रॉन भी नहीं होता, कभी एक होता है तो कभी तीन होते हैं, ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना हुई। तो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को काउंट करना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना हुई, सिर्फ प्रोटॉन्स को काउंट करना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई। स्टूडेंट्स पीरियोडिक लॉ, सो पीरियोडिक लॉ वॉज चेंज, तो यही नतीजा निकला कि फिर वक्त के साथ साथ पीरियोडिक लॉ तब्दील हो गया, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ नहीं रहा और हेनरी मोजले का पीरियोडिक लॉ मशहूर हो गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं आप याद कर लो, दो नंबर का सवाल आएगा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आपको सवाल आ जाएगा, या आपको सवाल आ जाएगा कि मोजले का पीरियोडिक लॉ क्या था या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, तो आपने याद रखा। स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है याद रखो हमेशा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाया गया है, ये तो आपको पता लग गया है। उसके बाद अगर आपको यही पता है कि अगर ऐसा है मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अब एक पीरियोडिक टेबल दौरे जदीद का एक दौरी जदूल बना है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को दौरी जदूल भी कहते हैं, उर्दू में इसको दौरी जदूल कहा जाता है, टेबल को जदूल कहा जाता है, तो कुछ कुछ उर्दू भी आती है मुझे तो कोशिश रहती है आपको बताने की। So if do so properties repeat after regular intervals. तो ये भी देखा गया कि अगर let's say that कि atomic number increase कर रहा है, let's say that, तो atomic number let's say 3 atomic number है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात, 3 atomic number है, तो 3 atomic number के बाद आता है आगे चलते जाएं 11 atomic number। तो देखा गया कि 3 और 11 दोनों आपस में properties में match करते हैं। फिर चलते जाएं आप आगे तो एक एटॉमिक नंबर आता है 19, तो देखा गया 3 11 एंड 19, लुक एट दैट, एक ग्रुप बन गया।
इस तरह ही फिर आगे चलते जाएं तो एक एटॉमिक नंबर आता है 37, तो वो भी इनके साथ मैच करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब 37, दैट इज बेसिकली रुबीडियम, और फिर आगे चलते चले जाएं तो एक एटॉमिक नंबर आता है 55, दैट इज सीजियम, और फिर चलते चले जाएं तो एटॉमिक नंबर आता है 87। तो लुक एट दैट स्टूडेंट्स, हमें क्या समझ में आया कि कुछ फ्रांसियम का नाम है बेसिकली FR। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई एटॉमिक नंबर रिपीट हो रहे हैं प्रॉपर्टीज में। चलो छोड़ें आप इस सीक्वेंस को छोड़ें, आप कोई और बात कर लें, लेट्स से दैट एक एटॉमिक नंबर है, आप यूज कर लो एटॉमिक नंबर 9, एक एटॉमिक नंबर है 17, एक एटॉमिक नंबर है 35, एक एटॉमिक नंबर है 35 53, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लुक एट दैट। यानी कि अगर आप एक सीरीज क्रिएट करो तो पहला मतलब एटॉमिक नंबर 9 जो है और एटॉमिक नंबर 17 है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इससे क्या अंदाजा हुआ, इससे अंदाजा फ्रेंड्स ये हुआ कि हमने ग्रुप्स बनाए। याद होगा आपको ट्राइएड्स पहले ग्रुप्स थे, फिर याद होगा न्यूलैंड ने ट्राई किया ग्रुप्स बनाने का, फिर याद होगा मेंडलीफ ने ट्राई किया ग्रुप्स बनाने का, अब आपको याद रहना चाहिए कि मोजले ने भी ग्रुप्स बना के दिए, और सबसे जबरदस्त ग्रुपिंग की मोजले ने। सो ये बात यहां लिखी हुई है कि प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करती हैं रेगुलर इंटरवल के साथ। आखिर में कहना चाहूंगा कि सेम ग्रुप एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये सारे एलिमेंट्स बताए कि ग्रुप के हैं, इन सब का आउटर सबशेल एस होगा, आउटर सबशेल याद रखिए। सबसे आखिर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना आप, तो आपको पता है कि 1s 2s 3s फिर आखिर में कोई सबशेल लिखते हैं, सबसे आखिर में सबका ही एस होगा। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, लेकिन इनका नंबर इनके पीरियड के हिसाब से होगा। लिथियम दूसरे पीरियड में है तो 2s1 होगा, तीसरे पीरियड में 3s1 होगा, 4s1 5s1 6s1 7s1। यानी कि हमें क्या समझ में आया कि अब ये सीक्वेंस जो है ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे देता है। यानी कि अगर लेट्स से दैट कि आप कहते हैं सर इसका थोड़ा सा बताएं, तो इसका आखिरी सबशेल बताएं क्या है, फ्लोरिन का कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 2p5, क्योंकि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास आपको पता है कि आउटर सबशेल इस वक्त p बन रहा है और p5 बन रहा है, तो इसका भी क्या होगा, p5 होगा। इसका करके देख लेते हैं 1s2 आई होप आपको नजर आ रहा होगा, यस, और 2s2 2p6 3s2 3p5, लुक एट दैट p5 p5। So, यहां से अगर मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तो यहां से देखो इसका आउटर सबशेल दोनों का सेम है, इसका भी p5 है इसका भी p5 है। अगर आप इसका करोगे तो इसका भी p5 ही निकलेगा, अगर आप इसका करोगे, लुक एट दैट। मैंने आपको पहले एलिमेंट का p5 बताकर दूसरे का कंफर्म किया, तीसरे का भी बता दिया, चौथे का भी बता दिया। अब देखें अगर प्रॉपर्टी सेम है तो ये मैं कर पा रहा हूं, अगर प्रॉपर्टी सेम ना हो तो ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब इसका अगर ये तीसरे पीरियड में था 3p5 है, ये क्या होगा 4p5, और इसका क्या होगा 5p5, और इन सब की जगह पे हम क्या लिख दें, क्योंकि n कुड भी एनी नंबर, तो मैं सबके लिए क्या लिखूंगा, सबके लिए लिख दूंगा np5। यानी हैलोजन्स, ये 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इसको हम हैलोजन्स के नाम से जानते हैं, और हैलोजेंस की जो आउटर सबशेल कॉन्फ़िगरेशन है वो np5 है, जबकि ये पहला ग्रुप है प्रोडक्ट टेबल का, इसे हम अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, और तमाम अल्कली मेटल हाली ने की रब से फरियाद, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इन सब का आउटर सबशेल क्या होगा, ns1, क्योंकि सबका s1 आया था ना, और सबका अकॉर्डिंग टू देयर आउटर शेल नंबर आ रहा था एक,
तो इसको NS1 डिक्लेयर कर दिया। इसे कहते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने जर्नली सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया। सो दिस इज द पेंडोरा बॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। बात खत्म नहीं हुई है, बात थोड़ी सी बाकी है, उसको भी करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा लास्ट सेशन में चलते हैं इस लेक्चर के। अब एक बात तो टोटल आपको समझ में आ गई है कि प्रॉपर्टीज जो है रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। मतलब अगर हम लेट्स से सीक्वेंस बनाते हैं 1, 2, 3, 4 और ये एलिमेंट्स के नाम दे देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था उसमें, ठीक है, नियॉन जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो आप कह लो कि उसके बाद हम जाएंगे तो हम यहाँ पे एलिमेंट को लिख देंगे, ठीक है। सो वी कैन से कि हम एलिमेंट को जो है यहाँ पे लिखेंगे लिथियम के नीचे, क्योंकि जो 11वें नंबर पे एलिमेंट है वो बेसिकली लिथियम से मैच कर रहा है। अब फिर जो 12वें नंबर पे एलिमेंट है, जो कि 4थे नंबर पे एलिमेंट बेरिलियम था, और 12वें नंबर पे एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम है, वो मैच कर रहा है बेरिलियम के साथ। तो ये हर 8वां एलिमेंट बन रहा है। ये देखिए, ये अगर हम लिथियम को पहला एलिमेंट ले लेते हैं तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। अब आप कहेंगे सर आपने नियॉन को तो काउंट नहीं किया बीच में, क्योंकि उस वक्त नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एवरी 8th एलिमेंट वॉज रिपीटिंग इट्स प्रॉपर्टीज। लेकिन साइंसदान ये भी बता रहे हैं कि अगर आपके पास मतलब एलिमेंट 18 एटॉमिक नंबर तक, तो मैं यही सीक्वेंस चलाऊंगा, ठीक है। 18 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हर 19वां एलिमेंट प्रॉपर्टीज में रिपीट करेगा, यानी पहले के साथ 19वां। अभी क्या है, पहले के साथ 8वां। तो जब 18 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यानी 12 तो नजर आ रहा है आपको, 12 के बाद 18 भी आएगा ना। 18 किसका आ रहा है, 18 तो आर्गन का आ रहा है। तो आर्गन के बाद आप कह लो कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे और वो 19वां एलिमेंट रिपीट करेगा प्रॉपर्टीज में। तो इस तरह से क्या समझ में आया, इस तरह से बनेंगी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइनें। ये देखें, ये बनी है हॉरिजॉन्टल लाइनें और ये बन रही है वर्टिकल। तो फिर वर्टिकल लाइनों को ग्रुप्स का नाम दिया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड्स का नाम। इस तरह फिर एक टेबल तश्कील पाने लगा, जो आज आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में नजर आ रहा है, जो कि पेज नंबर 948 पे है। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, तो ये पीरियोडिक टेबल जो है आपको ये बताता है कि भाई मेरे अंदर तकरीबन 7 पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 18 ग्रुप्स हैं, यानी कि 18 वर्टिकल लाइंस हैं। टॉप टू बॉटम 18, लेफ्ट टू राइट 7। लेकिन जो पुराना पीरियोडिक टेबल था जो मेंडलीफ ने बनाया था, इसके उल्ट था, उसमें 18 पीरियड्स थे और 7 ग्रुप्स थे। लेकिन मैं उसकी कोई बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, हिस्ट्री का हिस्सा है। मतलब आपके सिलेबस में जो हिस्ट्री है उसका भी हिस्सा नहीं है। तो ये फिलहाल आज हमने बात की आपसे, बना दिया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो बातें करनी है आपसे, डेफिनेटली हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बातें भी करेंगे, कि अगर इसको लॉन्ग शक्ल क्यों दी गई, तो लॉन्ग शक्ल क्यों दी गई, ये बात डेफिनेट नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्वेश्चंस भी बनाए रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी बने पड़े हैं, तो आप MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, इस टॉपिक में से क्या क्या आ सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक ईज क्रिएट की है। और इसके अलावा टीचर हजरात भी बच्चों से जब टेस्ट लेना होता है तो आप वो नीचे से क्वेश्चंस वगैरह निकाल कर कॉपी पेस्ट करके वर्ड के ऊपर फिर प्रिंट निकाल के बच्चों से टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप मजीद चाहते हैं कि सारा आपको मिले, कोई वीडियो मिले, तो प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट की भी डिस्क्रिप्शन होती है, एक तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है ना, एक प्लेलिस्ट की भी डिस्क्रिप्शन होती है। तो प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक्स हैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक नजर आ जाएगा, ये सारे लिंक्स नजर आ जाएंगे। इसके अलावा नोट्स के भी आपको मैंने लिंक्स दे रखे हैं, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अपना ख्याल रखना है आपने, ठीक है। इसके अलावा पढ़ाई करें, दमदार तरीके से पढ़ाई करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करें, अगर दुनिया में कुछ करना है। केमिस्ट्री ड्राई सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ये ड्राई ना रहे, ये फ्रूटफुल जूसी सब्जेक्ट बन जाए आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर ले सकें। सो मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा।